नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने खुद के लिए एक साल से सिरदर्द बने सीरियल किलर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एक ही तरीके से अलग अलग जगह पर 11 महिलाओं की हत्या की मिस्ट्री बनी हुई थी। पुलिस ने शुक्रवार को इनमें से 6 के कत्ल को सुलझाने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपी साइको किलर है, 6 महिलाओं की हत्या को कबूला है। 3 दिन पहले बरेली पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं के साथ रेप का प्रयास करता था और गला दबाकर मार देता था। निशानी के तौर पर महिलाओं का जेवर साथ ले जाता था। यह हंसता खिलखिलाता चेहरा जिस पर एक भी शिकन नजर नहीं आ रही है, ये कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक साइको किलर है। जी हां, जनपद बरेली में सिलसिलेवार तरीके से चुन चुन कर महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार नवाबगंज के बाकरगंज निवासी बाबूराम का बेटा कुलदीप निकला। महिलाओं की हत्या करने वाला आरोपी मां के साथ 2 सगी बहनों की मौत और उस पर सौतेली मां के जुल्म ने उसके दिलो दिमाग में महिलाओं को लेकर इस कदर नफरत भर दी कि वह साइको किलर बन गया। हर उम्र दराज महिलाओं में उसे अपनी सौतेली माँ का अक्स दिखता था और इसलिए वह चुन चुन कर महिलाओं की हत्या करने लगा। गुरुवार को बरेली पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र की बुजिया माइनर से बुजिया जागीर के पास से 35 साल के सीरियल किलर कुलदीप को पकड़ा। कुलदीप उन्हीं चेहरों में से एक है जिनका पुलिस ने स्केच जारी किया था। पूछताछ के बाद कुलदीप ने एक एक करके 6 हत्याओं का राज कबूलना शुरू किया तो पुलिस भी मर्डर मिस्ट्री का कारण सुनकर दंग रह गई। कुलदीप के पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीते जी दूसरी महिला से शादी कर ली थी। कुलदीप के मुताबिक सौतेली मां के कहने पर उसके पिता बाबूराम मां के साथ मारपीट करते थे। कुलदीप की 2 बहनें हैं। घर में सौतेली मां आने के बाद पिता की जुल्म ज्यादती और परेशानियों के कारण ही उसकी मां और दोनों बहनों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने कुलदीप के दिमाग पर काफी बुरा असर डाला था। वह सनकी जैसा व्यवहार करने लगा। वर्ष 2014 में कुलदीप की शादी हुई थी लेकिन तब तक वह हिंसक हो चुका था। पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता। कुलदीप की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। पत्नी के छोड़ने के बाद कुलदीप जंगलों में रहने लगा। सुल्फा भांग का नशा करके जंगलों में पड़ा रहता था और यही उसके दिमाग में सीरियल किलिंग का ख्याल आया। उसने 45 से 55 साल की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वह रैकी करता था और संतुष्ट हो जाता कि महिला अकेली है और उसके पीछे कोई शख्स नहीं है, तब उसे खेत में खींचकर ले जाता, उनकी साड़ी या दुपट्टा से गला घोटता, महिलाओं को मारने के बाद उसकी लाश को खींचता और फिर गले में गांठ लगा देता। हत्या करने के बाद ठहाके मारकर हंसा करता था। कितनी घटनाएं, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 IPC के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम, गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पर ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पर इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी, उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था।
उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांव में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और 1 गांव में इसके रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनसे उनके पास पहुंचता था, या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसके कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाई तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी है जिनमें लोग कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, PCR को इस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो हम PCR पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पर भी इसको लेके जाएंगे। कप्तान साहब, एक साल से लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है, आस पड़ोस के गांव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद दूसरी जगह दो रहा है, तो इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला होने उन लोगों को कुछ पता ही नहीं लगा कि व्यक्ति क्यों यहाँ रुकता है, कैसे क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे शाम को घर पे आ जाता है वापस, उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने क्या बताया, कहीं उनका भी कोई रोल या कोई ऐसी चीज सामने आई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन, सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है, तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पर चलते हैं, हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाकर फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, CCTV भी लगाई गई थी? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद मैं कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, इसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी दी उनसे पूरा इनपुट लिया गया, हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हैं।
पहली बार किसी घटना का मैप बनाया गया था पूरा जी, हम लोगों ने इसको गूगल मैप का यूज करते हुए पूरी घटना। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। देखा जाए तो बीते कई सालों में साइको किलर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कातिल की साइकोलॉजी पर एक स्टडी करते हुए 2016 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके मुताबिक सीरियल किलर और साइको किलर जैसे लोग कई हफ्तों पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। इस तरह के लोग अधिकतर डायरी लिखते हैं जिसमें वे वारदात की हर बारीकी को समझते हैं। वे उसके इर्द गिर्द एक कहानी रचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि वारदात को अंजाम देते वक्त वो क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। देखा जाए तो ये सब वाकई बहुत डरावना होता है। ऐसे में बरेली के इस अपराधी के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन जरूरी ये भी है कि ऐसे किलर्स पर रिसर्च भी ज्यादा से ज्यादा की जाए ताकि ऐसे मामले कम किए जा सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।